आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पुलाव। इन्हें बनाना बहुत आसान है और एक कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं ना, हमारे मसाला पुलाव का एक एक चावल कितना खिला खिला बना है और दिखने में हमारे मसाला पुलाव कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं मसाला पुलाव। तो सबसे पहले हम एक कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म करेंगे। तेल के गर्म होते से अब हम उसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो उन खड़े मसालों में हम डालेंगे 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, आधी छोटी टुकड़ा दालचीनी, 3 से 4 काली मिर्ची, आधी छोटी चम्मच जीरा। और इन सभी खड़े मसालों को हम हल्का सा पकाएंगे लगभग 10 से 20 सेकेंड। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट और उसे 10 से 20 सेकेंड के लिए अच्छी तरीके से सॉटी कर देंगे। तो सॉटी करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप प्याज, और इस प्याज को यहाँ पर हमने लंबा लंबा काट के यूज़ करा है। तो बस अब हम अपने प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी प्याज पक चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मटर, 1/2 कप फूल गोभी और 2 कप आलू। आलू को यहाँ पर हमने थोड़ा बड़ा बड़ा चॉप करा है। और बस अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे। तो सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप बारीक कटे हुए टमाटर और इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसे एक प्लेट से ढक देंगे ताकि जो हमारी सब्जियाँ हैं वो हल्की हल्की पक जाएँ। तो बस यहाँ पर हमने ढक दिया है, तो हम इन्हें ऐसे ही ढककर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 मिनट बाद आप लोग देखेंगे कि जो टमाटर हैं उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है। तो बस यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को हल्का हल्का पका लिया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस इन अपने पुलाव को, मतलब मसाला पुलाव को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच मैगी मसाला। मैगी मसाला की रेसिपी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और डाल देंगे अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चावल जिन्हें हमने 10 मिनट पानी में भिगो के रखा था। तो अभी हम इन चावलों को डाल देंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमने किस बाउल से इन चावलों को मेज़र करके लिया है। तो बस चावलों को डालने के बाद हम इन्हें सभी सब्जियों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये जो बाउल देख सकते हैं ना, जिसमें हमने पानी लिया है, सेम उसी बाउल को नापकर यहाँ पर हमने 1 कप चावल लिए थे। और उसी सेम बाउल से हम अपने चावलों में 1.5 कप, मतलब 1 और 1/2 कप और पानी डाल देंगे। तो बस यहाँ पर हमने इसमें पानी डाल दिया है। तो एक बार अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और साइड में जितने भी चावल चुपके हैं उन्हें निकाल लेंगे और इस तरीके से इन्हें सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मतलब इन सभी चावलों को इकट्ठा कर लिया है। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नींबू का रस और इसे हल्का हल्का स्पून की मदद से चला देंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे वरना जो हमने चावल इकट्ठे करे हैं वो फिर से इधर उधर हो जाएंगे। तो बस चावलों को अच्छी तरीके से इकट्ठा करने के बाद हम अपने कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कुकर में 2 सीटी आ चुकी है और हमने इसे 10 मिनट के लिए, 2 सीटी आने के बाद नहीं खोला था, 10 मिनट बाद हमने इसे अब खोला है। और हाँ, आप लोग भी इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट करने दें, उसके बाद ही ओपन करें ताकि इसका बाकी का जितना भी प्रेशर होगा वो भी निकल जाएगा। तो बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा एक एक चावल कितना खिला खिला बना है। और अगर आप चाहें तो ये जो हमारे खड़े मसाले हैं ना, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, उन्हें निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कम इंग्रेडिएंट में बन जाने वाले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला पुलाव रेडी हैं और आप लोग देख सकते हैं दिखने में कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो आप लोगों में से कौन कौन हमारे इस मसाला पुलाव की रेसिपी को ट्राई करेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी
ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मिले हमारी सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।